जैसे मुर्गी पालन में सफलता पाने के लिए 7 टॉपिक्स जानकर रखना या सीख कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 टॉपिक्स सीख कर रखो, 100% दूंगा कभी मुर्गी पालन में लॉस नहीं होगे आप। ये 7 टॉपिक्स क्या है? पहली टॉपिक है मुर्गी फार्म कैसे बनाना। अगर से ठीक से नहीं बनाओगे तो आपके फार्म में बिल्लियां, चूहे या नेवल घुस जाकर आपका फार्म तबाह हो जाएगा। इसीलिए मुर्गी फार्म कैसे बनाना ये बताता है ये वीडियो में आपको। इसके साथ साथ दूसरी टॉपिक क्या रहेगी, मुर्गी फार्म बना लिए के बाद हम मुर्गियों को ला लेते, मुर्गियों को वहाँ से 20, यहाँ से 20, वहाँ से 30 ऐसा लाए, जब मुर्गियों के बीमारियाँ आते, ये बीमारियाँ मतलब मुर्गियों के बीमारियाँ और उनकी पहचान, उनकी दवा, ये दूसरी टॉपिक है अपनी। पहली टॉपिक मुर्गी फार्म कैसे बनाना, दूसरी टॉपिक बीमारियाँ और उसका इलाज, और तीसरी टॉपिक रहेगी अपनी बीमारियों से निकले के बाद अंडे नहीं देते मुर्गियाँ, अंडे नहीं दे रहे तो अंडे कैसे निकालना, तीसरी टॉपिक हो गई अपनी। ये पूरे टॉपिक्स यही वीडियो में कवर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए बिल्कुल भी मिस मत होना वीडियो, भगाए बिना देखो। तीसरी टॉपिक क्या बताया मैं, अंडे कैसे निकालना मुर्गियों में, मुर्गी को अंडा कैसा देने लगाना, तीसरी टॉपिक। ये अंडे दिए के बाद मुर्गियां, भाई हमारी मुर्गी खुड़क नहीं बन रही, खुड़क नहीं बैठ रही, बोल के ऐसे सवाल आते। चौथी टॉपिक क्या है, मुर्गी को खुड़क कैसे करें, चौथी टॉपिक। उसके बाद पांचवी टॉपिक क्या है, पांचवी टॉपिक है भाई हमारे पास ज्यादा बच्चे नहीं निकल रहे यार, 1-2-3 बच्चे निकल रहे बोल के, तो ये बच्चे कैसा, ज्यादा बच्चे कैसे निकालना मुर्गी के, मुर्गी से ज्यादा बच्चे कैसे निकालना, ये अपनी कितनीवी टॉपिक हो गई, पांचवी टॉपिक। फिर छठी टॉपिक क्या है, बच्चे निकले के बाद भाई हमारे बच्चे बड़े नहीं हो रहे, बीच में ही मर जा रहे बोल के, ये एक सवाल रहता, तो ये भी क्लैरिफिकेशन दूंगा मैं आपको, सिखाऊंगा बच्चों को कैसे बड़ा करना कहकर। और उसके बाद बड़े कर लिए के बाद भाई हम अंडा बेचना कहाँ पर बेचना, आम चूजा कैसा बेचना, मुर्गी कैसा बेचना, यानी मार्केटिंग कैसे करना, कैसे बेचना, ये 7वीं टॉपिक रहती मुर्गी पालन में। ये 7 टॉपिक सीख लोगे ना, हार नहीं है, इसीलिए वीडियो लॉन्ग होगा थोड़ा बहुत, कई को बोलता हूँ बारीकी से समझाऊंगा आपको। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये ना, ये फिर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, यूट्यूब पे हो या कहीं पे भी हो, और ये पालन कैसा करना बोल के आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ना बोल के ये वीडियो लाया। पहली टॉपिक कौन सी, मुर्गी फार्म कैसे बनाना। पहले ना सस्ता मुर्गी फार्म बना लो कम खर्चे से। अभी देखो जमीन है आपके पास, जमीन से 20 फीट बाई 20 फीट का बनाओ मुर्गी फार्म, आप 20 फीट बाई 20 फीट में बनाओ। यहाँ पे जैसा दिख रहा है आपको 20 फीट रहता, 10 फीट वो ये पोल तलक 10 फीट, यहाँ से वो पोल तलक 10 फीट, 20 फीट का मुर्गी फार्म बनाओ। ऐसा 20 फीट, 4 कोने 20-20 फीट रहना यार, ऐसा बनाओ। बनाए के बाद जमीन से 2 फीट हाइट पे, 2-3 फीट हाइट ले सकते हैं आप, मिनिमम 2 फीट। जैसे पीछे दीवार दिख रही है आपको, वैसे दीवार उठा लो। दीवार उठाए के बाद वहां से ऊपर 3 तलक टच होना, इतना भी 1 इंच का भी गैप नहीं रहना, 3 तलक टच होना। उसके बाद टीना डाल दो ऊपर, जैसे दिख रहे ऐसा टीना डाल दो, खत्म, सिंपल है। ऐसा बना लिए के बाद एक आपके पास जितना बजट है, 10 मुर्गियाँ तो भी ला लो, 50 मुर्गियाँ तो भी ला लो, 100 मुर्गियाँ तो भी ला लो। मिनिमम जब स्टार्ट कर रहे आप, 100 के अंदर ही बढ़ से स्टार्ट करो। भाई हम 500 बढ़ से जाते, 1000 बढ़ से जाते बोल तो लॉस होना पड़ता, तो आपको बाद में जाके समझ में आता कई को बोल रहा है बोल तो 100 वर्ष में आप अच्छे से सीख लोगे ना, तब जाके 1000 क्या यार, 10,000 भी पाल सकते। पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जितनी मर्जी आपके पास नॉलेज हो, चाहे कितना भी आप वीडियोस देख के वगैरह कुछ भी सीखे हो, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कम बट से स्टार्ट करो। मुर्गी फार्म कैसा बनाना ये बताया, और एक दूसरी क्या बोल दो, बारीक जाली मारो जिसमें चूहा भी अंदर नहीं आए, जैसा दीवार वहां तक उठा लिए ऊपर, चूहा भी नहीं माना, एकदम बारीक डायमंड कलर की जाली हो जाए, या कौन सी भी हो जाए, डायमंड शेप की या कैसी भी हो जाए, बारीक, एकदम बारीक, जिसमें चूहा भी अंदर ना आ सके, ऐसा फार्म बनाओ। फिर नीचे आप बेड डालना जरूरी है, क्या बोलता हूँ, बेड नहीं डाली तो भी, मिट्टी रहते भी ठीक है, बट मिट्टी में ना नीचे चूहे खोद के अंदर आ जाते हैं यार, बट बेड डाल रहे तो ठीक है चलेगा, कंक्रीट का बेड डालो अच्छे से,
डाल कर क्या करो बोल दो, डेली क्लीन रख लेना पड़ता कहीं को बोल दो, मिट्टी रहे तो मिट्टी में खोते रहे तो मुर्गियाँ, एक तीन दिन को चार दिन को क्लीन करी तो भी चल जाता, बट अगर चूहों का मसला है तो डाल लो बेड, बेड डाल कर अच्छे से डेली क्लीन रख लो, नहीं तो बीमारियाँ आते गंदगी रहे तो। ये फार्म कैसे बनाना है ये बता दिया मैं आपको, एक बार अच्छे से देख लो ऐसे। उसके बाद उस फार्म बना लिए, मुर्गियाँ ला लेना, मुर्गियाँ फार्म कैसा बनाना है ये टॉपिक कवर कर दिया हमें, टॉपिक करने के बाद मुर्गियाँ ला लेते, यहाँ से 20 मुर्गियाँ ला लिए, वहाँ से 20 मुर्गियाँ ला लिए, तो क्या होता एक जगह पे एक भी मुर्गी को वाइट डायरिया है या खाली डायरिया है नहीं तो रानी के डिसीज है, तो आप ला लिए के बाद पूरे मुर्गियों को फैल जाती हो, ये मुर्गियों में ऐसे ही होता है, एक मुर्गी को बीमारी आई बोल तो सबको लगा देती, सब खल्लास फिनिश हो जाते। तो इसीलिए आप ये बीमारियों से कैसे बचना बोल तो, सबसे पहले बीमारियों से बचना कैसे ये बताता, उसके बाद बीमारियां क्या होते हैं उनके दवाइयां कैसा पहचान कैसा ये बताता। अब जब ला रहे ना, लाते समय आप ये याद रखो कि एक जगह से लेने की कोशिश करो। अभी मेरे पास ऐसे एक कमरे में मेरे पास मान लो 50 मुर्गियां हैं, 50 मुर्गियां रहे तो अब यहाँ के 50 मुर्गियां ले लोगे ना, कहीं को बोलते हैं बीमार रहे तो क्या है मैं निकाल के इलाज कर देता तब का तब, बीमार को हमेशा फार्म वाले अच्छे मुर्गियों में रख के इलाज नहीं करते, यही बोल दो दूसरे मुर्गियों को बीमारी फैला देती करके। एक जगह के मुर्गियां लेने की कोशिश करो, वहाँ के 20 यहाँ के 20 नहीं ज़्यादातर, इन केस नहीं मिल रहे तो क्या करते लेना ही पड़ता। लिए जब क्या करो आप उसमें पहचानो कि लेते समय नाक से पानी जा रहा क्या, नाक पे पानी है क्या मुर्गी के, नाक पे पानी रहे तो CRD बीमारी बोलते हैं उसको, वो मुर्गी को नक को लो हटा दो, और दूसरा फेस पे फूसियाँ वगैरह है क्या, ये फॉलफॉक्स बीमारी बोलते वैसी वैसे मुर्गियों को भी मत लो, उसको भी हटा दो। उसके बाद मुर्गी को पीछे लेटरिन के हिस्से में देखिए पलटा कर वाइट कलर का या ग्रीन कलर का मल पूरा चिपक जा रहा है क्या मुर्गी के पेट पे, यानी पेट के हिस्से पे निचले हिस्से में, वैसे मुर्गी को भी नक्को लो, वो डायरिया रहती, ऐसे पहचान के वो मुर्गियों को नहीं लेना। आँख बंद हो जा रही क्या, आँख में सिप्टिक आ गया क्या, आँख बंद हो गई क्या, ये मुर्गी को भी नक्को लो, ये कोराइज आ रही थी। तो यहाँ पे लेते समय मुर्गियाँ लाते समय आप फार्म बना लिए के बाद मुर्गियाँ लाते समय एक जगह के मुर्गियाँ लेने की कोशिश करो, भाई मुर्गियाँ एक जगह से ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिल रहे तो आप क्या करो 50 हो जाए या 100 हो जाए, चूजे से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, एक दिन के या एक महीने के, दो महीने के, तीन महीने, कितने मिली तो उतने, ऐसा मेन प्रेफरेंस आप रखो कि एक जगह से लेने की कोशिश करो। अभी बोल दो यहाँ से वहाँ से लेने से मैं बीमारियों का मसला बताया आपको, ये किले ये बीमारी मतलब कैसा मुर्गियाँ लाना ये बताया। उसके बाद मुर्गियों में आने वाली ज़्यादातर आने वाली बीमारियाँ कौन कौन से रहते हैं, मुर्गियों पर ज़्यादातर आने वाली बीमारियों में पहले नंबर पे आती है CRD। CRD मतलब मैं बताया आपको, नाक से पानी जाना, आँख से पानी जाना, मुर्गी का जो जिस्म रहता है स्किन रहता है वो हल्का सा फूल जाना, और मुर्गी सुस्त रहना, मुर्गी की कलगी काली या ऊदी बनकर ऐसा गिर जाना, ये CRD के लक्षण रहते हैं। भाई ये पूरे लक्षण रही तो ही CRD क्या, नहीं पानी आ रहा मुँह से और मुर्गी डल बैठ गई, खाना नहीं खा रही, हल्के से गिर गई, ये भी CRD, मुर्गी का जिस्म नहीं फूली तो भी, खाली मुर्गी का जिस्म फूल गया तो भी CRD की दवा डाल सकते हैं आप। ये मुर्गी के CRD बीमारी की पहचान है, और मुँह खोल कर सांस लेते रहती है सब, जैसे ये CRD बीमारी है, ये बीमारी से कैसे पहचाना तो बताया। जो आप याद रखो हमेशा, कुछ भी बीमारी दिखी आपके बर्ड्स में, ये हाल में कुछ भी बीमारी दिखी तो ये मुर्गी को यहाँ से ले लेता, दूर एक जाली रखो, इनसे 100 मीटर की दूरी पे रख के वहाँ पे इसका इलाज करो, नहीं तो वो एक बीमारी जाकर सबको फैला देती वो एक मुर्गी जाकर। तो ये काम करो, CRD बीमारी की पहचान ये है, और इसकी मेडिसिन क्या है, एंड्रोफ्लॉक्सेसिन मैरिक्यून डालो, बेटर रहती जहाँ पर मैं दिया मैरिक्यून, कितनी डालना क्या नहीं आप वो मेडिसिन के ऊपर पढ़ो, अच्छे से समझ में आ जाता, नहीं भाई बता दो बोल दो, 0.2 ml एक मुर्गी को पिलाना, डायरेक्ट पिलाना क्या बोल दो, डायरेक्ट भी पिला सकते नहीं तो एक चाय के चमचे पर पानी में 0.2 ml इंजेक्शन से दवा ले लो, ले लेकर चाय के चमचे पर पानी में मिला लो, मिलाकर मुर्गी को पिला दो, नहीं तो 4 ml पानी में भी मिला के पिला दे सकते हो 0.2 ml। ये CRD मेडिसिन, CRD बीमारी, इसके लक्षण और इलाज, दवा मतलब बता दिया है, कितने दिन पिलाना बोल दो, 3 दिन पिलाओ, कम नहीं हो रहा तो 5 दिन पिलाओ। और दूसरे नंबर पर ज़्यादातर मुर्गियों में दिखने वाली बीमारी फॉल फॉक्स रहती है, ये फॉल फॉक्स माता के नाम से भी जानी जाती है,
मुर्गियों के फेस के ऊपर फूसियां या दाग या फोड़े जैसे नजर आते हैं आपको, ये होती है माता या फॉलपॉक्स बीमारी। इसका इलाज क्या है बोलते, उसको प्रॉपर मेडिसिन नहीं बनी, ये मेडिसिन डाल दो कम हो जाता बोल के नहीं है। होम मेड मेडिसिन यानी घरेलू मेडिसिन एक है इसकी, नीम का पत्ता और हल्दी दोनों का मिक्स करके, दोनों को पीस लेके वो फोड़ों के ऊपर अप्लाई करेंगे ना कंटिन्यू 5 दिन, तो आपको 7 दिन के बाद कम होना नजर आता। मुर्गियों को फॉलपॉक्स हो गया तो डेफिनेटली कम हो जाएगा, बट जो 2 महीने 3 महीने के नीचे के बच्चों को फॉलपॉक्स होता तो बहुत मुश्किल रहता बचना। इसका इलाज एक ही है, आप नया जैसा देख लो, नया जैसा देख लेना बोलते हो, वैक्सीन कर लेना 35 डे पे फॉलपॉक्स वैक्सीन बोल के रहता, ये फॉलपॉक्स वैक्सीन कंपल्सरी कर लेना, कर लो। इनकेस आ गई फिर भी तो क्या करना, फॉलपॉक्स आइसो बर्ड को पहचानना, तुरंत उसको अच्छे वाले बर्ड्स में से निकालना, निकाल के आइसोलेट करके इलाज करना, नीम का पत्ता हल्दी। उसके ऊपर फिल्म वीडियोस है अपने प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख भी सकते हो कैसा बोली। तो अभी देखो अपन मेहंदी लगा लेते ना, वो टाइप पे नीम के पत्तों को पहले नीम के झाड़ पे से नीम के पत्तों को तोड़ लेना, मिक्सी में डालना, मिक्सी में डाल के 1 कप पानी डालो, डाल के थोड़ा सा उसको दबाओ, क्योंकि आसानी से वो ग्राइंड नहीं होता, थोड़ा दबा के जो जार रहता ना उसमें पत्ते डाल के थोड़ा दबा के मिक्सी को ऑन कर दो। ऑन करने के बाद वो पेस्ट बन जाता, बारीक सा पेस्ट बन जाता। एक 4 चमचे पेस्ट बना तो उसमें 1 चमचा हल्दी मिलाओ, मिला के अच्छे से मिला के फोड़ों के ऊपर अप्लाई कर दो। ये हो गया दूसरी बीमारी, फॉलपॉक्स बीमारी के बारे में बता दिया। और तीसरी बीमारी कोरैजा, कोरैजा बोली तो आंखी मूछे जाती है, ऐसा फूल जाती है, इसमें ये 2 पैर पकड़ के ऐसा करोगे ना आप, सिप्टिक जैसा बाहर आता, व्हाइट कलर का और कुछ बर्ड्स में येलो कलर का, सिप्टिक जैसा, खिपले जैसा, मल जैसा बाहर आता आए, जब उसको ऐसा करके वो मल को निकाल देना, आज निकाले कल निकाले परसों निकाले, ऐसा 5 दिन तक ऐसे 2 पलक पकड़ के मुर्गी के ऐसे ओपन करके आप आराम से मल बाहर आ जाओ, थोड़ा अंगूठे से ऐसा ऐसा करके निकाल देना। निकाल दिए के बाद आप मेडिक्योर बताया ना, वो मेडिक्योर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये हो गया 3 बीमारियाँ, फॉलपॉक्स ये कोरैजा बीमारी के बारे में भी बता दिया। इसके बाद में दिखने वाली बीमारी रानी केट, धूप काले में ज़्यादातर दिखाई देती जो गर्मी के मौसम में, तो आपको ये रानी केट बीमारी से कैसा बचना बोली तो पहचानना कैसा, ये देखो रानी केट को न्यूकैस्टल डिसीज भी कहते हैं, एनडी भी कहते हैं, वो सारे नामों से बुलाते हैं, पर रानी केट बीमारी बोल तो मुर्गी मुंडी ऐसा करी पूरा जमीन को डाल दी, नहीं तो पूरा ऊपर कर दी ऐसा, तो ये होती है रानी केट बीमारी। दूसरे कोई भी बीमारियों में इतना नीचे डालना, इतना गर्दन घुमाना, कुछ जगहों पे गोल भी घूमती है मुर्गी, पीछे भी जाती है, रिवर्स गेट डाले जैसा जाती है, तो ये होती है रानीखेट बीमारी की पहचान। इलाज कैसे करना बोल तो इसकी भी प्रॉपर मेडिसिन नहीं बनी, सिंपल आपके पास 50 है 100 है तो डेली आपको एक नज़र देखते रहना आपके मुर्गियों में, जब भी एक भी बर्ड रानीखेट जैसा दिखी या कोई भी लक्षण दिखे उसको अनामत उठा लेते, उठा लेके इससे 100 मीटर दूरी पे दूसरी एक जाली बना लो, जाली बना लेके या पार्टीशन बना लेके उसमें डाल के इलाज करना आपको। इसमें ही रखते दवा डालते जाओगे तो क्या होता बोली तो चले जाते सब बर्ड्स को फैल जाती है वो बीमारी। ठीक है, फिर मेडिसिन क्या है इसकी बोल तो देखो, आर्टिजन बोल के होम्योपैथी की मेडिसिन है, पर हर जगह पे मिलती है नहीं मिलती नहीं मालूम मुझको, बट हैदराबाद से हो आप तो हैदराबाद में मेहंदीपट्टनम में विजयनगरम कॉलोनी में निर्मला क्लिनिक्स के पास ढक्कन होमियो बोल के रहती, वहाँ से आप ला ले सकते आर्टिजन कहकर, इरफान भाई रहते दे देते वो। देखो मेरे भाई, आपके पास 100 मुर्गियाँ हैं, 100 मुर्गियों में से 10 मुर्गियों को बीमारी आई तो ये 10 मुर्गियों को तुरंत निकाले आप रिकवरी पॉडिशन में रख के मेडिसिन यूज कर रहे, यूज करिए तो आपके पास एक 4-5 बर्ड जा सकते हैं, 4-5 बर्ड बच सकते, पर आप रिकवरी पॉडिशन में नहीं डाले, पूरों को एक ही जगह पे रख के इलाज कर रहे तो 10 बर्ड जाके 100 बर्ड को फैला देते, तब जाके 10-20 बर्ड ही बचते, 70-80 बर्ड चले जाते। ऐसा नको करो,
रिकवरी पार्टीशन कंपलसरी है मुर्गी पालन कर रहे हो तो वहां पे डाल लो, वहां पे रख के इलाज करो, ये हो गया भाई। आर्टिजोन नहीं मिल रही, क्या करना, क्या करना होगी तो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड एंटीबायोटिक रहती, ये वैमिरोल, ये और दूसरा ऑस्ट्रो, ये वैमिरोल प्लस ऑस्ट्रोवेट मिला के इस्तेमाल करना, और तीसरी रहती दवाई ब्रूटॉन, इसका इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाती। और जो भी मुर्गी को हल्की सी सुस्त दिखी, आपको बीमार दिखी, पहचानने में नहीं आ रहा सीआरडी है इसको या रानीखेत है, क्या है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, दूसरी कोई बीमारी है, तो वो बीमार वो बर्ड्स को क्या करना बोल दो, सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ले लो, ले लेके इसके पीछे क्या रहता है, हर दवाई के पीछे कैसा इस्तेमाल करना बोलते हैं वो पढ़ो, पढ़ के इस्तेमाल करो, फुल दवाई का इन्फॉर्मेशन है आपको प्लेलिस्ट में, वीडियोस है वो भी देख सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड मॉर्निंग दो, जो बीमारी नहीं पहचानी जा रही आपको तो बर्ड को ले लो, हल्की बीमार दिख रही बर्ड तो उसको ले लो, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड दो पहले, उसके बाद एक बादाम खिला दो, एक लहसुन खिला दो, खिला दिए के बाद ब्रूटॉन दो, ब्रूटॉन दिए के बाद नाइट में क्या करो, 12 आवर्स के बाद ऑस्ट्रोवेट वैमिरोल दो, करेक्ट 3 दिन करो, नहीं कम हो रही, थोड़ा हल्का कम हुआ जैसा दिख रही, और 2 दिन एक्स्ट्रा दो, 5 दिन दो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो ये करो कंपलसरी, रिजल्ट मिलता है आपको। तो रानीखेत बताया मैं आपको, मेडिसिन तो बनी नहीं है होम्योपैथी की, आर्टिजोन बोल के रही थी, 100 मुर्गियाँ हैं आपके पास, 2 मुर्गियों को दिखी, तुरंत निकालो, निकाल के आइसोलेट करो, वहाँ पे इलाज करो, एंटीबायोटिक्स विटामिन्स का विटामिन्स दे सकते हैं, तब जाके वो रिकवर हुई तो 8 दिन बाद लाके फिर अच्छे मुर्गियों में मिला सकते, नहीं तो आपको 2 मुर्गियों को इसमें ये रखोगे तो पूरे चले जा सकते हो उनके वजह से। तो रानीखेत का भी बता दिया। रानीखेत के बाद डायरिया, डायरिया क्या रहती बोल तो वाइट कलर का या हरा कलर का मल करते रहते मुर्गियाँ एकदम, वो मल क्या होता बोल तो पेट के लंबन लेटरिन के हिस्से तले चिपक चिपक जाता पूरा व्हाइट कलर है, बहुत डेंजर रहती, एक मुर्गी को आ गई तो 10 मुर्गियां जाके 100 मुर्गियों को ऐसा फैला देते, तुरंत वो मुर्गियों को पहचानना आप, पहचान के निकालना, आइसोलेट करना। आइसोलेट करने का फायदा क्या है, अच्छे मुर्गियां सेफ, बीमार मुर्गियां बच गए तो ला लेंगे, नहीं तो 1-2 मुर्गियां जाएंगे बट पूरे मुर्गियां सेफ रहते ये। और इलाज कैसे करना, पहचान तो बता दिया, इलाज क्या करना, मेरिक्यून डालो, मेरिक्यून डाल के जैसे मैं बताया लेक्चर, ये टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड और ऑस्ट्रोवाइट प्लस वैमिरोल ब्रूटॉन जैसे इस्तेमाल करना वैसे इस्तेमाल करो, बच जाते ये वाले। पर याद रखो हमेशा कि बीमारी नहीं आई तो पहले ही आप अच्छे से आपके फार्म को हर रोज क्लीन रखो, अच्छा फीड दो, 1 मुर्गी को 100 ग्राम फीड देना, ये फीड में क्या क्या रहना बोली तो 100 ग्राम फीड दे रहे 1 मुर्गी को तो 50 ग्राम लेयर मैश फीड दो, और एक 20 ग्राम मकई दो, और एक 10 ग्राम क्या करो बाजरा दो, और 10 ग्राम कुछ भी एक चावल हो जाए, और 10 ग्राम घी हो जाए या जवारी हो जाए, ऐसे मिला लो, मिला लेके 100 ग्राम 1 मुर्गी को, 10 मुर्गियां है तो 1 किलो ऐसा मिला के खिलाओ मुर्गियों को, अच्छे रहते। फीड कम दिए तो क्या होता बोलते कमजोर होके बीमारियों का शिकार होते, ऐसे ना क्यों करो। तो ये हो गया बीमारियों के बारे में मेन तौर पे, तो इतने बीमारियां ऐसे मुर्गियों में दिखते हैं, जितने साल से मैं कर लेते आ रहा इतने दिखे मुझको, ज्यादातर इतने साल से लगभग 1-7-8 साल से इतने मेन रहते, और बहुत सारे रहते पर मेन आने वाली बीमारियां ये, बीमारियों के टॉपिक बता दिया। जब बीमारियों से रिकवर होते आप बर्ड्स तो क्या होता है बोल तो बीमारियों का निकल जाते, बीमारियों की टॉपिक तो सीख लिया आप, उसके बाद क्या होता है बोलो तो अंडे नहीं निकलते रहते भाई। हमारे पास 10 मुर्गियां हैं, 10 मुर्गियों में सिर्फ 1 अंडा निकल रहा है, नहीं तो हमारे पास 100 मुर्गियां हैं, 100 मुर्गियों में 3-4 अंडा निकल रहा बोल के कॉमेंट्स आते मेरे को। तो ज़्यादा अंडे निकलना बोली तो क्या करना बताया ना मैं, पहला काम क्या करना आप बोली तो, जब आप बर्ड्स ला रहे, बर्ड्स लाते समय बूढ़ी मुर्गी को नहीं लाना, लगभग 4 ओरिजिनल देसी मुर्गी ना सालों जीती है, इसीलिए आप 4-5 साल की मुर्गी को ला लिए, वो एज हो जाए भी रहती, एक बार अंडे दिए के बाद फिर 3-4 महीने के बाद में अंडे देना स्टार्ट करती हूँ, वैसे बूढ़े मुर्गियाँ नहीं लाना आप। एक फिर भाई बूढ़े मुर्गियाँ कैसा पहचानना है यार,
बोलता देखो सिंपल रहता है, एग्जैक्ट बूढ़ी मुर्गी मतलब इतने एज की है बोल के नहीं पहचान सकते, उसके पैर देखकर उसके पैर पखड़ हो गए तो ज्यादा तो बूढ़ी मुर्गी बोल के पहचान सकते हैं, बट यहाँ पे वो मुर्गी 2 साल की है या 4 साल की है ये पता नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर क्या होता होगा बोलते एक बैच के लिए, मान लो अभी फार्म वालों के पास मेरे जैसे, तो क्या होता बोल तो 50 का बैच है, 50 का 5 महीने के पाटा है ना, तो 6 महीने के पाटा है ना, तो 4 महीने के पाटा है, वैसे ले लिए तो उनकी एज आपको पता रहती, यंग मुर्गियाँ रहते 4 महीने के पाटा ले लेके आप 1-2 महीने रख लो समझ पाल लो समझ लो, 2 से 3 महीने रखोगे आप आपके पास में तो 8 महीने के 7-8 महीने के हो जाते, जब अच्छे तादाद में अंडे देते रहते उनकी एज आपको पता रहती, वो बैच को आप 3 साल तक पाल के आप वो सेल करके उनके आय से बच्चों को बढ़ा कर लेंगे आप बिजनेस रन कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता बोल दो वहाँ से 20 मुर्गियाँ, यहाँ से 20 मुर्गियाँ, उधर से 30 मुर्गियाँ लाए तो उनकी एज भी पता नहीं रही थी आपको, उसमें अंडे कम निकलते हैं। तो ये हो गया। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती बोल तो भाई, आप एक मान लो मिसाल देता हूँ मैं आपको कि 100 मुर्गियाँ ला लिए, 100 मुर्गियों में एक 25 मुर्गियाँ अभी अभी खुड़क छोड़ दिए, 100 मुर्गियाँ है वो भाई अंडे दे दिए, अंडे ले लेते हैं, अंडे ले लिए मतलब अंडे, अब भाई आप हो आपकी मुर्गी क्या कर रही है, अंडे दे रही, अंडे दिए तो वो मुर्गी को बेच देते आप नहीं ना, थोड़े दिन भाई और 10 दिन रुकी तो 10 दिन 10 अंडे मिलते हमारे को, वो अंडे ले लिए के बाद ये अंडा बंद करे के बाद वो मुर्गी को सेल करने देखते आप, तब क्या होता वैसी हर भाई वैसी रहता ना यार, क्योंकि बुरा नहीं है उसको भी अंडे चाहिए और आपको अंडे ले लेके मुर्गी दे देते, देने के बाद ये मुर्गी कब आती फिर अंडों को बोल दो, 2 महीने का टाइम भी लगा सकती, 1.5 महीना 2 महीना, इसीलिए अंडे कम आते। तो आप क्या करो, हमेशा एक बैच यानी जिसकी एज पता है आपको वो बैच लेकर पालने की कोशिश करो, जैसे मैं बताया आपको 50 चूजे 5 महीने के या 6 महीने के ऐसे में, तो 100 चूजे या 1000 चूजे भी मिल रहे हैं आपको, तो ऐसा एग्जैक्ट एज रेशियो बर्ड्स लेके आप फार्मिंग स्टार्ट करने देखो, अच्छे अंडे निकलते। एक हो गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है बोल तो, अब दूसरी प्रॉब्लम कुछ मुर्गियों में ज़्यादा सब्जी दे देते हैं ना, तो कुछ भी ज़्यादा खिला देते, ज़्यादा खिला दिए तो क्या होता है चर्बी आ जाती, चर्बी आ गए तो मुर्गियाँ अंडे नहीं देते, आपके पास 100 मुर्गियाँ हैं 1-2 अंडा ने तो एक भी अंडा नहीं निकलता कुछ फार्मों में, मैं बहुत सारे फार्म देखा हूँ ऐसे, चर्बी आ गई मुर्गी को तो चर्बी कितने भी मेडिसिन डाल के चर्बी को घुला नहीं सकते हम, तो इसीलिए आप हमेशा बच्चों से स्टार्ट करने की कोशिश करो, चाहे आपको एक बार 5 महीने के मिल रहे या 4 महीने के मिल रहे, 1 महीने के मिल रहे या 1 महीने के, 1 दिन के मिल रहे, आप सेफ रहता, अंडे ज़्यादा निकलेंगे तब मैं बता। और फीड मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फीड मैनेजमेंट क्या है बोल तो, आपके पास 100 मुर्गियाँ आए तो 10 किलो फीड कंपलसरी देना, 10 मुर्गियाँ आए तो 1 किलो फीड कंपलसरी देना। ये फीड में क्या करना बोलते बताया मैं आपको, 50% लेयर मैश फीड रहना और 20% मकई मिला सकते हो उसमें, और 20% बाजरा मिला सकते हो उसमें, और 10% घी या जवारी मिला सकते हो, थोड़ी कनकी भी ऐड कर ले सकते हो, ऐड करके आप मिक्स बना लेंगे उसका आराम से, मोटे रवे की तरह पिसा लेंगे, अब ये बर्ड्स खाने में इस्तेमाल कर सकते। ये हो गया। ऐसा करो कंपलसरी अंडे निकले। और दूसरा क्या है, प्योर देसी मुर्गियों में क्या है बोल तो, खुड़क बनते मुर्गियाँ, 10 अंडे देके 15 अंडे देके खुड़क बन जाते। अभी एक डब्बे में मुर्गी खुड़क बन गई तो आप उसको 15 दिन तक उसी तरीके से छोड़ दिए, नहीं तो 1 महीने तक भी उसी तरीके से जहाँ पर अंडे देकर खुड़क बन गई वहीं पे छोड़ देते। अभी 100 मुर्गियाँ हैं आपके पास तो 20 मुर्गियाँ आपके पास खुड़क ही बन गए, आप खुड़क नहीं छुड़ा रहे तो मुर्गियाँ 1 से 2 महीने का टाइम 3 महीने का टाइम भी देते अंडा देने के लिए लेते, तो क्या होता तब अंडे कम निकलते, तो मुर्गियों का खुड़क भी जल्दी छुड़ाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अंडे ज़्यादा निकलने के लिए। मान लो आपके पास 10 मुर्गियाँ खुड़क बन गए, 10 मुर्गियाँ एक डब्बे में मतलब डब्बों में कहाँ पर अंडे दिए वहाँ पे खुड़क हो जाते, तो वो मुर्गियों को क्या करते आप बोल दो, ले लेके एक जाली में डालो, सेपरेट जाली में डाल के उसमें वो 10 मुर्गियों के साथ एक मुर्गे को छोड़ो, छोड़ के 5 दिन वो जाली में ही रहने दो, बाद में 5 दिन बाद उसको जाली को खोल दो, ऑटोमेटिक खुड़क छूट जाता है उनका, कई को बोलते उसकी जगह भूल जाती है वो 5 दिन में खाने में मुर्गा क्रॉस होने में, ये इसमें उसकी जगह भूल जाती 5 दिन में। 10 मुर्गियाँ हैं, 10 मुर्गियों को 5 दिन आप एक जाली में डालकर रखे एक मुर्गी के साथ,
पांच दिन बाद आप ओपन करी तो एक सात मुर्गियां फिर वो अंडे जहां पे दिए वहां पर जाकर नहीं बैठेंगे भाई। ये तीन मुर्गियां जिद्दी ऐसे रहते कि भाई मेरी जगह होना तो होना, वहीं पे जाके बैठते बोलते। फिर वो तीन मुर्गियों को क्या करते आप फिर ले लेते वही जाली में, फिर एक्स्ट्रा तीन दिन डालते तब छूट जाता कंपल्सरी, नहीं बोलता और दो दिन डालते। वो जिद्दी रहते उनसे भी अपन ज्यादा जिद्दी है यार। उसी तरीके से छोड़ दिए तो महीने महीने जहां पर अंडे दिए वहीं पर खुड़क बैठ जाते हो, तब अंडे नहीं निकल रहे भाई, अंडे नहीं निकल रहे भाई बोलते। कैसा निकलते आप जल्दी मुर्गियों को अंडों पे मतलब खुड़क ही नहीं छुड़ा रहे तो अंडे कहां से निकलते? तो ये खुड़क छुड़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ, दस मुर्गियां हैं, एक भी मुर्गा नहीं है, नहीं तो सौ मुर्गियां हैं, खाली एक दो मुर्गे हैं भाई, हमारे पास अंडे नहीं निकल रहे, अंडे नहीं निकल रहे। दस मुर्गियां रहे तो दो मुर्गे रख लो, ठीक है, अच्छा रहता। नहीं एक, कम से कम एक तो भी रख लो फ्री रेंज दे तो। सौ मुर्गियां है, सौ मुर्गियां रहे तो पंद्रह मुर्गे कंपलसरी है, तो ऐसा रख लो अंडे जल्दी आते। भाई हमारे पास मुर्गे नहीं है फिर भी मुर्गी अंडे दे रही, बोल तो कब देती बोल तो? वो मुर्गी हीट पे आए के बाद दो से तीन महीने के बाद जाके तब अंडे देती। तो इसीलिए प्योर देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं आप तो मुर्गे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सौ मुर्गियों में पंद्रह मुर्गे रखना कंपलसरी है आप, ये हिसाब। ज्यादा भी नको रखो, ज्यादा भी रखी तो मुश्किल हो जाता। कहीं को बोल तो एक मुर्गा क्रॉस होते रहे तो दूसरा मुर्गा आके उसको मार देता, तब क्रॉसिंग नहीं होकर अनफर्टाइल अंडे आते, नहीं तो अंडे नहीं आते। ये क्या क्या बताया मैं आपको, एज मालूम रहे सो बर्ड्स को लेना, आप एक बैच के तौर पे लेना, फीड मैनेजमेंट जैसे बताया, एक मुर्गी को 100 ग्राम फीड एक दिन में कंपलसरी है। वो फीड में क्या क्या देना, लेयर मैच फीड और मकई बाजरा घी ज्वार, ये बताया। और उसके बाद क्या बताया, मुर्गियां मुर्गों की क्वांटिटी कितने रहना, 100 मुर्गियों में 15 मुर्गे रहना बोल के, ये हो गया। अंडे कंपलसरी, खुड़क छुड़ाना भी बोला, अंडे तब कंपलसरी निकलते। तो ये पॉइंट्स हो गए, क्या क्या बताया मैं, पहली टॉपिक क्या बताया फार्म कैसे बनाना, दूसरी टॉपिक क्या बताया आपको, दूसरी टॉपिक बीमारियों के बारे में बताया, तीसरी टॉपिक अंडे कैसे निकालना, और चौथी टॉपिक क्या है अपनी, मुर्गियां खुड़क नहीं बन रहे भाई, हमारे पास 100 मुर्गियां हैं खुड़क नहीं बन रहे, खुड़क नहीं बन रहे बोली तो। आप प्योर देसी मुर्गियों को नए ला लिए होंगे, आजकल क्या हो रहा है बोल तो, एक 50 अपने पास क्या बोल दो, 50 प्योर देसी है समझो, उसमें एक 100 सोनाली को घुसा दे रहे, 100 दूसरे मुर्गियों को डीपी क्रॉस को, 100 असील क्रॉस को ऐसे घुसा दे के पाल रहे, सब मिक्स ब्रीड बन जा रही। वो मिक्स ब्रीड के चूजे निकल रहे, या चूजे निकल रहे वो बड़े हुए के बाद आपको दे दे रहे हो, 100 दे दे रहे भाई, ले आप लेके आ जा रहे नहीं मालूम हो के। उसमें कौन कौन से बर्ड्स हैं आपके, प्योर देसी है, असील क्रॉस है, सोनाली क्रॉस है, डीपी क्रॉस है, इतने पूरे 100 मुर्गियां लिए तो 10 प्योर है ओरिजिनल देसी है, बाकी के सोनाली क्रॉस डीपी क्रॉस है, तो कहां से बनते खुड़क? आपके पास अंडे तो निकल रहे, डेली का 30-35 अंडा निकल रहा, खुड़क ही नहीं बन रहे आपकी, एक मुर्गी खुड़क बन रही। हाँ डेली आपके पास 30 अंडा निकल रहा, तो ये 30 अंडे को 15-15 अंडों के साथ एक मुर्गी को बिठाना हो तो दो भी मुर्गियां होना, आपके पास 10 दिन हो गए एक ही मुर्गी खुड़क है, तो कहाँ से बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते। इसीलिए मुर्गियों का चयन अच्छे से करो, प्योर देसी मुर्गी देखकर या चूजे देखकर खरीदो, आप एक भरोसेमंद आदमी से खरीदो, कहाँ पर भी रोड पे दिखे नहीं तो किसके पास ही गए बाहर के जाके ला लिए, पाल रहे खुड़क नहीं बन रहे हमारे मुर्गियाँ खुड़क नहीं बन रहे बोल तो ऐसा नहीं बन। हाँ दूसरी खुड़क कैसे है फिर भाई, हमारी मुर्गी अंडों पे अच्छा नहीं बैठ रही, अच्छा नहीं बैठ रही। अच्छा देखो प्योर देसी मुर्गी है, अंडों पे बैठती मेरे भाई, अंडों पे बैठकर बच्चे निकालती, असील भी कुछ हद तक बैठती बट चाहे ज़्यादा बच्चे नहीं निकालती, ठीक से अंडों को पेट के नीचे नहीं लेती, इसीलिए क्या होता बोली तो असील के अंडों को भी अपने प्योर देसी मुर्गी के नीचे डालकर बच्चे निकालते, ये याद रखो। प्योर देसी मुर्गी अच्छी तरीके से अंडों पे बैठ खुड़क बनती और बच्चे निकालती ज्यादा उनके, ये याद रखो भाई। हमारे पास प्योर देसी मुर्गियां ही है पर अंडों पे नहीं बैठ रही बोल तो देखो, एक टोकरा वो मुर्गी कहीं की अंडे दे भी रही थी बॉक्स में, वो बॉक्स में से लेके जाते आप एक टोकरे में अंडे जमा लेते, जमा लेके वो मुर्गी को बिठा कर बाइट 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 बच्चे निकाल बोल तो नहीं निकालते, कहीं को बोल तो उसको ही पता है भाई मैं वहाँ अंडे दिए यार मेरी जगह वो है, ला के तुम यहाँ पे बिठा रहे ये जगह मेरी नहीं है, कहीं को बैठो यहाँ पे मैं बोलती हूँ, तब क्या करना बोलता आप वो मुर्गी को, एक अच्छा टोकरा ले लो, ठीक है आपको
ये देखो एक अच्छा टोकरा ले लो, ऐसा ले लेके इसमें अच्छे से घास बिछाओ, घास या रेती या डस्ट या मट्टी कुछ भी है वो बिछाओ, बिछा के ऊपर से एक टाट का बोरी डालो। टाट का बोरी है क्या यहाँ पे? थैला यार, कपड़ा वगैरह कुछ भी आपके पास, चादर वगैरह अच्छे से डालो। डाल के अंडे बिठाओ, अंडे कितने अंडे बिठाना, फर्स्ट टाइम आप अंडे बिठा रहे तो 14x बिठाओ अच्छा रहता, 14x 16x तक 18x तक भी बिठा सकते, कितना भी बिठाओ वो अंडों को सारों को मुर्गी उसके पेट के नीचे लेना, उतने अंडे माना उसके पेट के नीचे उतने अंडे बिठाना, मिनिमम 14 बिठाओ पहली बार, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आते रहता, आप 20-22 तक भी घुसा दे सकते हैं मुर्गी के पेट के नीचे। पहले तो 14 बिठाओ, 14 बिठा कर ऊपर से क्या करो, और एक टोकरा लेकर ऐसा, और एक टोकरा लेकर ऐसा ऊपर से ढाप दो, ये टोकरे को याद रखो होल्स रहना भाई, ऐसी ढाप दिया अजमत भाई, ऐसी बताए हम ऐसी बिठाए, बिठा कर सुबह में उठ के देखे हमारी मुर्गी मर गई भाई, नक्को बोलो कहीं को बोल दो, उसको हवा होना, सांस होना, ऑक्सीजन होना, इसीलिए होल्स थोड़े थोड़े होल्स मारो टोकरे को भाई, टोकरा खराब हो जाता है यार ऐसा बोल दो, जो गोबर का टोकरा रहता दूसरा वाला टोकरा रहता ना, जैसे कि हवा पास होना यार वैसा टोकरा ले लो, ले लेके आराम से एक दिन आज बिठाए आप तो कल मॉर्निंग पे वो टोकरा निकाल दो, निकालने के बाद वो मुर्गी अच्छे तरीके से नहीं बैठती, कहीं बोल दो उसको मालूम हो दूसरी जगह पे अंडे दिए बोल के, वो बाहर जाती, बाहर गए के बाद दाना डालो, पानी डालो, पानी डालने के बाद उसको जाके वो जहाँ पर अंडे दी ना वहाँ पे बैठ जाती, बैठ गए जब उसको पकड़ो, पकड़ के 5 ही मिनट में खाना खा लेती, पानी पीने के बाद पकड़ लेके फिर अंडों पे बिठा दो, बिठा के फिर टोकरा ढाको, 2 दिन हो गए, फिर तीसरे दिन भी वैसे ही करो, टोकरा उठाओ मॉर्निंग पे 5 से 10 ही मिनट में ये कंप्लीट होना, दाना पानी नहीं तो अंडे ठंडे हो जाते, फिर बाहर गई फिर खाना खा ली पानी पी ली उसकी जगह पे जाके बैठी, तो लाओ पकड़ो अंडों पे बिठा दो टोकरा ढापो, 4th दिन देखो प्योर मस्त खुराक बने ही रहती, तब भी नहीं बनी तो 5वें दिन भी उसी करो, कंपलसरी बता रहा हूँ, 5वें दिन बाद उसको पता चल जाता भाई ठीक है यहाँ पर अंडे डालने के लिए अजमत भाई बिठा रहे, मेरी अंडे ये मैं बच्चे निकाल लूंगी बोले बैठ जाती हो, ये कंपलसरी करो, ऐसा आपकी मुर्गी अंडों पे बैठती, मैं तो कहीं आप कहीं मुर्गी अंडों अंडे दी भी रहती, लेके जा गया टोकरा रख के बाइट 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 बोल तो नहीं, उसको भी ट्रेनिंग देना आदत करना पड़ता मेरे भाई। तो ये हो गया कितना बताया आपको अंडे मतलब खुड़क कैसा बनाना बोल के मुर्गी को, ठीक है ये हो गया, इसके बाद क्या क्या और करा मैं आपको, फार्म कैसे बनाना, बीमारियों से कैसे बचाना, अंडे कैसे निकालना, अंडे निकालने के बाद मुर्गी खुड़क नहीं हो रही तो खुड़क कैसा बनाना मुर्गी को ये बताया, उसके बाद भाई हमारे पास मुर्गी आप बोले जैसा बिठाए कैसा भी बिठाए वैसा बिठाए ऐसा बिठाए हमारी मुर्गी बच्चे ज़्यादा नहीं निकाल रही, कई को नहीं निकाल रही, रीज़न क्या है, कई को रीज़न क्या, कई को नहीं निकाल रही बोलता, आपके पास 10 मुर्गियाँ हैं, 10 मुर्गियाँ रहे तो क्या हो रहा बोलते, डेली 2-2 अंडा निकल रहा 10 मुर्गियों में आपका, तो आप क्या करते बोलते ये 10 अंडों को ना 20 दिन स्टोर करके रखते, 20 दिन जमा करके रखते, डेली 2-2 निकलते रहते, 20 दिन में कितने हो जाते 40 अंडे हो जाते, 20 दिन में 40 अंडे होने के बाद 1-2-3 मुर्गियाँ या खुड़क हो गए तो लेके जाके उनके पेट के नीचे डालते, ज़्यादा दिन पुराने अंडे होने की वजह से अंडे के अंदर जो पीली कलर की जर्दी रहती वो घुल जाती, घुल जाके उसमें से बच्चा निकल 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 भाई बोल तो कहाँ से निकलता, नहीं निकलता ना, इसीलिए ज़्यादा दिन पुराने अंडे नक्को डालो, कम से कम 8 दिन जो बारिश का मौसम है तो 8 दिन 8 से 10 दिन पुराने अंडे ही डालो मुर्गी के पेट के नीचे, यानी आज निकले कल निकले परसों निकले ऐसे 10 दिन निकले सो अंडे ही पेट के नीचे डालो, 8 दिन डाल दो या 5-6 दिन पुराने अंडे डाल दो तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता आपको, ऐसा ये करो भाई हमारे पास एक ही मुर्गी है यार बोल, तो अभी ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, 15 अंडे दे रही तो 15 अंडे दिए के बाद डालना पड़ता, कुछ मुर्गियाँ ऐसा रहता है कि अभी देखो एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देते, 15 अंडे देते, एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा दे रही मुर्गी तो 30 दिन हो जाते हैं उसका पूरा, मतलब 15 अंडे देने के लिए 2 दिन में एक अंडा दे रही हो तो 15 अंडे देने के लिए 30 दिन, जो स्टार्टिंग के अंडे हैं वो बहुत सारे अंडे गंदे हो जाते हैं ज़्यादा दिन की वजह से, तो बचे कितने लास्ट में 5-6 बच्चे ही नज़र आते हैं आपको, नहीं तो 2-3 बच्चे ही नज़र आते, इसीलिए ज़्यादा दिन पुराने अंडे नक्को डालो, और दूसरा क्या है बोलते अंडों को एक सेफ जगह में स्टोर करके रखो, सेफ जगह में बोलता हूँ मैं, एक ईंटा का बनाया एक पार्टीशन अपने प्लेलिस्ट के वीडियोस में दिखेगा वो देखो, ईंटा जमा कर दो साइड से ऐसा ईंटा जमा कर ईंटों में अंडे बीच में अंडे रखकर ईंटों के ऊपर पानी डाल लेना,
ठंडे रहते एकदम अंडे। एक बार चेक करो प्लेलिस्ट में अपने पिछले वीडियोस देखो, वो मिल जाता है वीडियो, उसे बना लेंगे। अंडों को अच्छी जगह में स्टोर करो, 15 दिन भी स्टोर रह सकते हो वहां से, और ये पेट के नीचे डालो अच्छा रहता। नहीं भाई हमारे पास कीड़ा नहीं है वो नहीं है बोल दो, कम से कम एक मटका ले लो बाजार जाकर, मटका ला लेकर एक बोरी, मटके को लपटो, वो बोरी को भिगाते जाओ, मटके के अंदर थोड़ी रेती डालो, आधा हिस्सा नहीं तो आधे से कम हिस्सा रेती डालकर वो बोरी लपटते ना मटके को, तुम वो भिगाते जाओ, थोड़ा ठंडा रहते अंडे, गर्मी के कारण ही खराब हो जाते। गर्मी का मौसम है, दबा के धूप मारनी तो आप देखे होंगे कि 3-4 दिन में ही जर्दी घुल जाती, इसीलिए स्टोर अंडों को अच्छा करके रखो, डेफिनेटली चूजे निकलते हैं। वो एक ही कारण है मेरे भाई, मुर्गी अच्छा कुड़क बैठी पर फिर भी बच्चा नहीं निकल रहा, तो एक ही रीज़न रहता। वो क्या रीज़न रहता बोली तो, अंडे ज़्यादा दिन पुराने डाल रहे हैं आप, इसीलिए बच्चे नहीं निकल रहे। और दूसरा एक और एक रीज़न क्या है बोल दो, मुर्गी अच्छा अंडों पे बैठ रही पर क्या हो रहा बोल दो, अंडे फोड़ कर पी। तो अंडा जब मुर्गी फोड़ती ना, तुरंत वो अंडे को देख कर आप वहाँ पे पहुँच देना, वो जगह पे सूखे अंडे लेके जाके आप भाई गंदे हो गए अंडे, पूरे अंडों पे स्प्लेट हो गया, तो लेके जाके वो अंडों को पानी में डाले, अच्छे से लगड़ लगड़ के वो अंडे को धो के ला के फिर को बिठाए, तो चूजा अंडे के अंदर ही मर जाता है, इसीलिए चूजे नहीं निकलते। तो क्या करना बोल दो, खाली अंडा फोड़े जब वो अंडे की जगह पे पोंछ दो कपड़ा लेकर। और दूसरा भाई हमारी मुर्गी अंडों के ऊपर मल कर दी, पोटी कर दी, तो क्या करना, पोंछना खाली, लेके जाके पानी में उंडक के लगड़ लगड़ के लगड़ लगड़ के धो के लाके फिर वो मुर्गी के पेट के नीचे नहीं डालना, तब चूजे नहीं निकलते पानी में लगाए तो। भाई अंडों को पानी बार बार छूने से बच्चे नहीं निकलते क्या, बार बार छूने से बच्चे कई कुछ ही थे आप, बार बार ना कुछ यार नहीं निकलते, बार बार छूने से नहीं निकलते बोल के, नहीं निकलते पर बार बार नक्कोच हो, कई को बोल दो अंडे के ऊपर होल्स रहते बारीक, अब आपके हाथ को डस्ट है तो बार बार अंडे को छीरे आप तो होल्स, ऑक्सीजन अंडे के अंदर सप्लाई होता तब ऑक्सीजन अंडे के ऊपर बारीक होल्स रहते यार, वो होल्स के अंदर से ऑक्सीजन अंदर बाहर होते रहता, बच्चा जब अंडे के अंदर रहता छिटले के अंदर, तो इसीलिए वो होल्स नीचे गए तो बच्चे नहीं निकलते। बट उतना भी आपका हाथ थोड़ी गंदा रहता है, डाल के मट्टी में हाथ डाल के जाके अपन अंडे को तो नहीं लिपते ना, वो सेफ रहता है उसका नहीं, पर पानी में पानी से नक्को भिगाओ अंडों को, बस पानी से मत भिगाओ अंडों को। और दूसरा क्या है बोल तो, ज़्यादा दिन पुराने अंडे नक्को डालो, ये हो गया। और क्या है बोल दो, आपके अंडे मुर्गी बार बार फोड़ते रहते हो भी कम अंडे निकलने के चांसेस रहते हैं, कहीं बोल दो वो जो फोड़ी अंडा उसका जो लिक्विड अंडे में का लिक्विड पूरा दूसरे अंडे को स्प्रेड हो जाता है, वो होल्स बंद हो जाते हैं अंडे के अंदर के, इसीलिए अंडे के अंदर ही चूजा मर जाने की चांसेस रहता है, वो होल्स मुझे गए तो भी उसमें से बच्चा निकलने के चांसेस नहीं रहते। ये देख लो, जो मुर्गी ज़्यादा अंडों को फोड़ रही वो मुर्गी को नक्को बिठाओ, दूसरे मुर्गियों को बिठाओ, जो अच्छा अंडों नहीं फोड़ रही वो मुर्गी को बिठाओ, ऐसा बच्चे निकलते बहुत सारे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, बच्चे निकल रहे यार पर हमारे पास बच्चे बड़े नहीं हो रहे, 8 दिन होते 10 दिन होते बच्चे मर जाते, ऊन के मर जाते, परां ढीले छोड़ के मर जाते, नहीं तो कुछ कुछ बहुत सारे वजहों से मर जाते बोल के कॉमेंट्स में, तो आपके दिल में सवाल वगैरह रहता। अभी मेन टॉपिक क्या है अपनी बोल तो, बच्चों को बड़ा कैसा करें। अब बच्चा निकला 1 दिन हुआ, ये बच्चे को 6 महीने तक कैसा पालना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा पालना बोल तो सबसे पहले ये देखो, वो सारे भाई चूजों से भी स्टार्ट करना समझते मुर्गी पालन, यहाँ से आपकी भी टॉपिक कवर हो रही, चूजों को कैसा बड़ा करना होता, फार्म जैसे बनाया बताया उसा बना लो, बना लिए के बाद चूजे डालो, 1-2 दिन के चूजे भी ला लिए समझो, यहाँ से अभी मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ वो आपके लिए कवर होगी वो टॉपिक। जब चूजे निकले अपने पास 1-2 दिन के चूजे हैं, तो ये चूजों को क्या करते हैं अपन बोली तो, पहले दिन 1 घंटे तक गुड़ का पानी दो। अभी चूजे निकले के बाद 1 से 2 घंटे भी दे सकते हैं आप गुड़ का पानी, कितना देना बोलता, आपके पास 10 बच्चे निकले, 10 ग्राम गुड़ का पानी कितना पीते, थोड़ा पी थोड़ा लो, 10 बच्चे है तो लगभग 50 ml पानी लो, 50 ml लेके घुला दो गुड़ का पानी, घुला के रख दो बच्चों में, 10 बच्चों में 100 बच्चे आपके पास, तो 100 ग्राम गुड़ लगभग 1-2 लीटर पानी में ऐसा घुला दे के रख दो। वो पी लिए के बाद क्या करते हैं आप बोली तो, बच्चे पियो या ना पियो 2 घंटे में वो पानी निकाल देंगे, ब्रूटॉन देना, ब्रूटॉन कितनी देना 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml, 3 ml दो बस है, बच्चे थोड़ा बड़े होते रहने को, 1 वीक के होने के बाद 4 ml दे सकते हैं आप। तो बच्चे
जैसे निकले 2 घंटे तक गुड़ का पानी दे रहे, कितने एक बच्चे को 1 ग्राम के हिसाब से गुड़ लेना, पानी में गुला देके दे देना। और दूसरा क्या है, 2 घंटे के बाद वो पानी बच गए तो निकाल देके ब्रूटॉन डालते। ब्रूटॉन कितनी डालते, 1 लीटर पानी में 3 ml ब्रूटॉन डाल के घुला के बच्चों को दे देते पीने के पानी में। ये हो गया। फिर फीड क्या देते, कंपलसरी स्टार्टर फीड देना। स्टार्टर फीड नहीं दिए तो क्या होता, बोल तो बच्चे को डाइजेशन प्रॉब्लम आता, हजम नहीं होता और पीछे उसके मल के जगह में उसका लेटरिन चिपक जाता, घट हो जाता हो, उसको पकड़ के आप खींचोगे ना पूरा उसका पीछे का चमड़ा पूरा निकल के आता, तो बच्चे की मोर्टालिटी उसलिए हो जाती, उसका लीवर काला पड़ जाता वगैरह वगैरह। इसीलिए कंपलसरी स्टार्टर फीड देना। स्टार्टर कब तक देना बोल तो 2 महीने, बच्चों की एज 2 महीने हुए तलक स्टार्टर फीड ही खिलाना, 1 दिन से लेकर 2 महीने तलक। फीड में ये बता दिया कितना खाते हो उतना खिलाना, भाई इतना ही खिलाना बोल के ये कितना खाते हो, जल्दी जल्दी खाए, अच्छा खाए, ज़्यादा खाए तो जल्दी जल्दी बढ़ के आते, ग्रोथ में आते। ये हो गया फीड का, तो हो गया 2 महीने तलक बताया मैं। पानी तो 2 घंटे तलक गुड़ का पानी दे रहे और ब्रूट, उसके बाद ब्रूटॉन दे रहे। कितने दिन देना, पहले दिन दिए, दूसरे दिन दिए, तीसरे दिन दिए, चौथे दिन दिए, पांचवे दिन दिए, 5 दिन तलक कंटिन्यू ब्रूटॉन ही दो। छठे दिन क्या करो, वैक्सीन करो, लसोटा वैक्सीन करो, रानीखेड़ बीमारी नहीं आती, रानीखेड़ बीमारी नहीं आने के लिए। भाई हमारे पास 10-15 बच्चे निकले तो नहीं, उस दिन आप नहीं कर सकते, आपके पास वैक्सीन नहीं मिल रही, तो इनकेस ऐसा रहे तो 99% करने की कोशिश करो, फिर भी वैक्सीन नहीं मिल रही या कुछ चांस नहीं है, आप कर नहीं सकते, आप बस सिर्फ कम बच्चे, खर्चा ज़्यादा हो रहा, पैसा नहीं है, तो क्या कर सकते। छठे दिन क्या करो, आप फ्रेश पानी दो और वैक्सीन कर रहे आप है, वैक्सीन मिल रही तो छठे दिन कंपलसरी वैक्सीन कर लेना, लसोटा वैक्सीन। कैसा करना, मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस है, मैं बताया आपको, कर लेते हैं वो देखते। 6 दिन हो गया और अभी 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन क्या करते बोल तो ये 3 दिन लेक्सिन पाउडर देना। 1 लीटर पानी में एक अच्छी सी चुटकी पकड़ो, मिला दो, मिला देके एक लीटर पानी में 0.5 ग्राम लेक्सिन पाउडर मिलाकर देना। आपको पता नहीं है वो, इसीलिए 0.5 ग्राम कितना होता पता नहीं है ना मेरे भाई, इसलिए एक चुटकी निकालो, निकाल के 1 लीटर पानी में डालो, अच्छी फुल चुटकी मिला दो, मिला देके बच्चों के सामने रख दो। भाई ये हो गया पानी तो 2 लीटर ले रहे तो 2 चुटकी मिलाना, मिला के रख देना। आपके पास 100 बच्चे हैं तो एक छोटा कांटा ले लो, जो वेट मशीन रहती छोटी, उसके ऊपर 1 लीटर पानी में 0.5 ग्राम के हिसाब से लेक्सिन पाउडर मिलाकर दो, अच्छा रहता, बेटर रहता। कितनेवें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन। अब मेरे कुछ वीडियोस में ये भी सुने होंगे कि 7वें दिन लसोटा वैक्सीन करो बोल के, 6ठे दिन 7वें दिन कर सकते, पर क्या है ना, 6ठे दिन करने से क्या है बोले तो, कुछ बच्चे ना कैसा होता बोले तो, अभी देखो आज एक बच्चा निकला, आज एक 5 बच्चे निकले, फिर कल क्या होता, कल 5 बच्चे निकलते, इसीलिए वो थोड़ा कवर होता बोल के मैं 7वें दिन को 6ठे दिन में तेरा 1 दिन कम करा मैं, 6ठे दिन करो बेटर रहेगा, ठीक है। ये हो गया और मैं लेक्सिन पाउडर भी बता दिया आपको, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन लेक्सिन पाउडर। अगर से आप 7वें दिन पे लसोटा वैक्सीन कर रहे तो 7वें दिन फ्रेश पानी दो, 8वें दिन से लेक्सिन पाउडर दो, 8, 9, 10 लेक्सिन पाउडर दो, 6ठे दिन कर लो बेटर रहता। 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन लेक्सिन पाउडर दिए। लेक्सिन पाउडर दिए के बाद अगले कितने हुआ, 7, 8, 9, 10वें दिन क्या करो, 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन ब्रूटॉन दो, फिर को ब्रूटॉन देके उसके बाद 14वें दिन क्या करो, आप गंबोरो वैक्सीन कर लो। कैसा करना, प्लेलिस्ट में रहते 14 डेज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 14 डेज गंबोरो वैक्सीन करे के बाद अगले 3 दिन फिर लेक्सिन पाउडर दो, लेक्सिन पाउडर 14 दिन हो गया ना, 14 दिन के बाद 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन लेक्सिन पाउडर दो, उसके जब तक चूजे घट हो जाते, बड़े हो जाते थोड़ा, उसके बाद फिर ऐसी यार लेक्सिन पाउडर 5 दिन, लेक्सिन पाउडर 3 ही दिन देना, लेक्सिन पाउडर 3 दिन और ब्रूटॉन, लेक्सिन पाउडर ब्रूटॉन, लेक्सिन पाउडर ब्रूटॉन ऐसा दे लेते, कंटिन्यू आप चूजों को बड़ा करते जाना। लेक्सिन पाउडर कई के लिए काम करती बोलते, एक एंटीबायोटिक रहती, चूजों के आँखों में से पानी निकलना, आँखें मूछे जाना और चूजे हल्के ढीले पड़ना, कमजोर होना, ऐसे दिक्कतें आते हैं ना, तो ये दिक्कतें नहीं आई ऐसा, ये लेक्सिन पाउडर बचाती। और ब्रूटॉन जो है अच्छा खाए सो हजम होने के लिए, डाइजेशन होने के लिए और चूजों को जल्दी से बढ़ाने के लिए, विटामिन्स भी रहते हैं वो काम करती है। बड़े कुछ मेडिसिन नहीं है ये,
बस सिंपल मेडिसिन से अच्छे से इस्तेमाल करो जैसे बताया वैसे। वैक्सीन तो देखो छठे दिन पे लसोटा वैक्सीन कर लो बोला आपको, और 14 डे पे गंबोरो वैक्सीन कंपलसरी करना आप, नहीं तो बच्चे पंख ढीले छोड़ के मर जाते रहते गंबोरो डिसीज आके। 14 डेज पे गंबोरो वैक्सीन कंपलसरी करना, फिर 21 डे पे लसोटा बूस्टर करो, फिर 28 डे पे गंबोरो बूस्टर करो, 35 डे पे फॉलफॉक्स वैक्सीन कंपलसरी कर लेना, ये पूरा लिख के रख लो 35 डे पे गम ये फॉलफॉक्स वैक्सीन। उसके बाद चूजन के हर 3 महीने को एक बार क्या करना आप ये जो फॉलफॉक्स नहीं आने के लिए फॉलफॉक्स वैक्सीन, उसके 8 दिन बाद R2B वैक्सीन कर लेते मुर्गियों बच्चों को पालना। ऐसे करो डेफिनेटली आपका एक भी चूजा कमजोर नहीं होता। और आप मुर्गी के साथ पाल रहे हैं आप चूजों को तो मुर्गी संभाल लेती, एक मुर्गी के साथ आप आराम से एक 40 बच्चों तक भी छोड़ सकते। और एक टॉपिक क्या है यहाँ पे बोली तो, आप जब खुड़क बिठा रहे ना मुर्गी को, खुड़क बिठाते समय क्या करो बोल तो, 3 से 4 मुर्गियों को एक ही बार खुड़क बिठाना। एक मुर्गी खुड़क होते ही उसको पकड़ लेके जाके भाई खुड़क हो गई बोल के दबा के खुशी में आके नहीं बिठा देना। कहीं को बोल तो एक मुर्गी को आप खुड़क बिठाए 14 अंडों के साथ तो 10 निकाली 12 निकाली तो क्या होता, एक मुर्गी 10 बच्चों के साथ, एक मुर्गी 10 बच्चों के साथ, एक मुर्गी अगले दिन 10 बच्चों के साथ, एक मुर्गी अच्छा पूरे बच्चों वाले मुर्गियाँ छू जाते हैं, अंडे कहाँ निकलते नहीं निकलते। तो इसीलिए 3 मुर्गियों को एक बार बिठाए समझो आप, एक एक मुर्गी 15-15 बच्चे निकाली तो भी 2 मुर्गियों के 30 और एक एक मुर्गी के 15 बच्चे भी बोलते 45 बच्चे उनको एक मुर्गी के साथ दे दे सकते। भाई 14 अंडे बिठाए तो 15 का बच्चे कहाँ से निकलते बोलते, आप 16 अंडे डाले ना तो 17 अंडे डाले 18 अंडे डाले तब 15 निकलते, 14 अंडे डाले तो 12 तलक निकल गए, 3 मुर्गियों के बच्चे 12-12 निकले तो एक मुर्गी को ना, तो 4 मुर्गियों के 12-12 निकले तो एक मुर्गी को, ऐसा करके आप फार्म को आगे बढ़ा सकते। नहीं आप एक मुर्गी खुड़क होते ही 15 अंडे वो दिखते कि लेके जाके 15 अंडों के साथ एक मुर्गी को बिठा दिए समझो, क्या होता पूरे बच्चे वाले ही मुर्गियाँ हो जाते हैं, अंडे नहीं निकलते आपके पास। ऐसा ये करो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद बच्चों को कैसा पालना ये बता रहा ना, फॉलफॉक्स वैक्सीन ये कर लियो आप। फीड क्या है, 2 महीने तक तो स्टार्टर फीड दिए के बाद 2 महीने के बाद बच्चे बड़े हो जाते अच्छे घट हो जाते, उसके बाद ग्रोवर फीड दो। ग्रोवर फीड कितने दिन देते, 4 महीने बच्चों की एज 4 महीना हुए तलक ग्रोवर फीड दो अच्छे रहते। 4 महीने के बाद क्या करो बोल तो, लेयर मैश फीड आप एक 50 किलो का लेयर मैश फीड बैग ले लियो, उसमें क्या करो एक 30 किलो मकई मिला लो पिसा कर, अच्छा मोटे रवे की तरह पिसा कर उसमें मिला दो। उसके बाद एक 20 किलो बाजरा ले लो, बाजरा भी उसमें मिला दो, 50 का वो लेयर मैश फीड और 30 किलो मकई कितना हो गया 80 किलो हो गया, और 30 का 80 हो गया ना, हाँ 20 किलो बाजरा भी डायरेक्ट ऐड कर देके बच्चों को खिलाते जाओ आराम से, बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे यार, फीड अच्छा खिलाओ अच्छा तंदुरुस्त रहेंगे 4 महीने। ऐसा आप कर लेते जाओगे ना डेफिनेटली आपका एक भी बच्चा नहीं मरेगा, अच्छे से बच्चे ग्रोथ में आते। अभी क्या है बोल तो बच्चे, ये लास्ट टॉपिक अभी क्या है, मार्केटिंग कैसे करना बच्चों, पानी में क्या देना बच्चों को बता दिया, लेक्सिन पाउडर ग्लूटोन लेक्सिन पाउडर ग्लूटोन लेक्सिन पाउडर ग्लूटोन ऐसे कंटिन्यू करते जाओ यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। और 5 महीने के बाद और एक भी काम कर सकते हैं आप, अंडों के लिए तैयार करते बर्ड्स को आप जब लेक्सिन ये जो ग्लूटोन की जगह पे आप आस्ट्रोवेट का इस्तेमाल करो, बस लेक्सिन ये कोसी ग्लूटोन को हटा दो, हटा के उसकी जगह में आस्ट्रोवेट वेमिरोल मिला के दे दो बस। उसके ऊपर मेरे फुल वीडियोस, पिछला वीडियो ही लगे आस्ट्रोवेट के ऊपर है वो देखो अगर से, फुल टॉपिक आपको चाहिए आस्ट्रोवेट पे। तो ये हो गया, डेफिनेटली अंडे भी अच्छे निकलेंगे बाद में। भाई हमारे मुर्गियाँ प्योर देसी मुर्गियाँ हैं आपके पास, भाई हमारे पास 100 मुर्गियाँ हैं 6 महीने के हो गए, अंडे नहीं निकल रहे। तो ये देखो मेरे भाई 6 महीने में प्योर देसी मुर्गियाँ आपके पास 100 मुर्गियाँ हैं तो उसमें 10 मुर्गियाँ अंडे दे सकते 6 महीने के, चाहे 6 महीने के तो बाकी के 80-90 मुर्गियों को टाइम लगता 7वें महीना 8वें महीने में जाकर अंडे देते। प्योर मुर्गियाँ हैं तो आपके पास, प्योर देसी मुर्गियाँ हैं तो, क्रॉस ब्रीड है थोड़ा अभी प्योर देसी मुर्गी है सोनाली मुर्गा क्रॉस कर दिया उसके अंडे आ रहे तो वो 5.5-6 महीने के अंदर बाहर अंडे दे सकते हैं। आपके पास प्योर देसी मुर्गी है, प्योर देसी मुर्गा क्रॉस हुआ फुल प्योर है वो तो थोड़ा टाइम लगाते मेरे भाई 8 महीने का तो इंतजार कंपलसरी करना आप प्योर देसी मुर्गी अंडा देने के लिए। ये हो गया,
ये क्लियर हो गया इतना। और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आती है आपको कि मार्केटिंग कैसे करें। याद रखो रातों रात मार्केटिंग नहीं आती। अंडा कैसा बेचना, बच्चा कैसा बेचना, मुर्गी कैसा बेचना, ये टॉपिक तो आपको रातों रात, तो मेरे भी रातों रात मार्केट नहीं मिली। इतने साल, 4 साल में यूट्यूब पे मेहनत करने के बाद मुझे जाकर मार्केट मिली। अभी हम मैं बेच सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं 4 साल की मेहनत करा हूँ, वीडियोस बनाया हूँ, एडिटिंग करा हूँ। आपको पसंद आए वो, आप चाहते हो वो टॉपिक, जो टॉपिक मैं देता हूँ, तो इसीलिए मेहनत, आप जितनी मेहनत करोगे उतनी मार्केट बनेगी। सिंपल तरीका है। अंडा बेचना बोली तो अब जब मुर्गियां लाके पालते रहे तो आपके आस, आपके गांव के लोग, भाई बंदा आप स्टेटस लगाते हो व्हाट्सएप पे, ना तो कुछ रील बना देते हो उसकी, कुछ भी करते, तो तब आगे वालों को पता चलता भाई इसके पास अंडे मिलते, बोल के अंडे ले लेते। मैं तो आप सिंपल ये एक तरीका रहता हूँ। दूसरा, आपके आसपास में कुछ मार्केट है, अंडे बर्ड्स मार्केट वगैरह अंडे हैं वहाँ, तो जाके उनके पास पूछो कि भाई हमारे पास अंडे हैं, लेते क्या, हमारे पास ऐसा फार्म है, रोज हमारे पास 30 अंडा निकलता, मैं 8 दिन में आपको 100 अंडा देता, नहीं तो 150 अंडा दे सकता, नहीं तो 1 महीने में 8 दिन में 2 बेटर रहता, क्योंकि बोल दो फ्रेश रहते हैं अंडे, उनको भी फायदा आता, आपको भी फायदा। तो ऐसा ना, तो भाई हमारे पास चूजे हैं, ये चूजे आप लोगे क्या, मुर्गी है, मुर्गियां लोगे क्या, बर्ड्स मार्केट में जाके आप पूछ सकते हैं। छोटे नहीं होते भाई, पूछने से बिल्कुल छोटे नहीं होते। अरे क्या समझते कि वो क्या लेके जाके मैं बताऊँ, अंडे लेते क्या, चूजे लेते क्या, मुर्गियां, छोटा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। कहीं को बोलते अपन चोरी कर रहे किसी का, तो ये लोग ये बुरिया बुरा है भाई। अपन मेहनत करे यार, मेहनत करके अंडे निकाले, चूजा निकाले, हिम्मत से बेच लेना जाकर, शर्माना नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसा आप बोलना पड़ता, पूछना पड़ता। और आप, और दूसरा क्या है आपको, आप अगर से अंडा तो चले जाता, चूजा बिकना मुश्किल रहता, पर चूजा भी बिक जाता कई जगह पे मार्केट रहे, तो फिर मार्केट नहीं है, क्या करना। अंडे तो आराम से आपके पास हाईवे वगैरह है तो बोर्ड लगा लो, एक बैनर बना लो अच्छा सा, प्योर देसी मुर्गी अट्रैक्शन हुए जैसा, उसके अंडे ऑर्गेनिक एक्स, प्योर देसी मुर्गी के अंडे, ऑर्गेनिक प्योर देसी मुर्गी के अंडे बोल के आप लगा दिए, अच्छे से आपके बर्ड्स के फोटोज वगैरह, भाई देखते ही बंदा, अरे वो बॉयलर मुर्गी के कहाँ खाऊं यार, वो उसका पूरा 30 दिन में बड़ा हो जाता है चूजा, वो अंडा खा के कहाँ पे बीमारियां ला लूं, चर्बी बढ़ा लूं कहाँ से, बोल के वो आपके पास से अंडे लेने के चांसेस है। पर थोड़ा सबर करना पड़ता अपने को मार्केट बनने के लिए, अंडे चले जाते पर चूजे बिकना मुश्किल रहता। पर थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे जैसे टाइम लेते रहते वैसा बिक जाते चूजे भी, जैसे आपके आपका धंधा बड़ा होता जाता है तब चले जाते। पर आप क्या करते, चूजे नहीं बिक रहे तो बड़ा कर लेना, 6 महीने तक बड़ा कर लिए, 1 किलो के आ गए वो, 1 किलो के आसपास में, तो 8 महीने के बढ़ा लिए, बना लिए 1 किलो 200 ग्राम ऐसा कुछ आ गया, 1 किलो आ गया। ये मुर्गियों को आप चिकन सेंटर के, बहुत सारे आसपास के चिकन सेंटर के लोग प्योर देसी मुर्गियों को आजकल ज़्यादा पाल रहे, देख रहे, उनके पास मुर्गियां कहाँ से आते हैं, उनके पास क्या फार्म है, चिकन सेंटर वालों के पास जो कटिंग करके दे रहे हैं आपको, उनके पास फार्म है नहीं, वो कैसा बोल दो, आपके पास फार्म है एक बेपारियां जो जो लूने पे हो जाए, स्कूटी पे हो जाए, बुट्टी रहती है, वो बुट्टी में मुर्गियां गांव फिर के मुर्गियां लाते, ला के कहाँ पे डालते हो, वो चिकन सेंटरों के पास डालते। यहां से हम क्या करते हैं, व्यापारी को दे रहे, व्यापारी जाकर क्या कर रहा हूं, वो जो चिकन सेंटर वाले हैं ना उनको दे रहे, तो यहां पे 3 हाथ बदल रही है मुर्गी। तो आप डायरेक्ट जाके वो चिकन सेंटरों के पास पूछो, भाई हमारे पास इतना है, दूसरों के पास कल क्यों लेते हैं आप, डायरेक्ट हम ही डालते हैं हफ्ते में या 15 दिन में इतने, 15 बर्ड्स 10 बर्ड्स या आपके पास आप कितना हो सकता होता, 50 बर्ड्स 100 बर्ड्स क्या लोगे क्या, 1 से 4 चिकन शॉपर दोनों आराम से, भाई ला लो भाई, उसको किधर जाएगा, मुर्गियाँ होना ना ला लो, बोलेगा नहीं भाई नहीं, ऐसा भी नहीं बोलता। आप आराम से बुट्टी डाल लेकर आप जहाँ पर मार्केट, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, वहाँ पर एक 10 मुर्गियाँ एक जाली में डाल लेकर किसी बुढ़े आदमी को या किसी बुजुर्ग आदमी को या बच्चे को मैं प्रिफर नहीं करता ज़्यादा, कहीं बोल दो उसको पढ़ने लिखने दो यार, बड़ा बुजुर्ग आदमी, कहीं को बोल दो आजकल बुजुर्ग लोग भी बहुत ज़्यादा कैसे हो गए बोल दो, बच्चे उनको एक्सेप्ट नहीं करके उनको छोड़ देंगे, बच्चों को जैसे कमाना हो जाते लड़के आजकल माँ बाप को परवाह नहीं कर रहे, ऐसे जो वो मतलब तकलीफ में रहे जो बुजुर्ग लोग रहते ना उनको बिठा दो आराम से, कुछ भी नहीं लेके जाके आप एक जाली रख दो मॉर्निंग में, उसमें 10 मुर्गियां या 20 मुर्गियां डाल दो, डाल देकर देखो भाई आप 10 मुर्गियां है ना, 10 मुर्गियां आप 1 मुर्गी 600 में बेच दो,
मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 500 रुपए दो एक मुर्गी में, आप 10 मुर्गियां बेच दिए तो एक एक मुर्गी के पीछे 100 रुपए बच रहे हैं, 1000 रुपए। नहीं भाई वो बंदा 550 को भी एक बेच लिया, 50 रुपए बस है, बोलता उसके 500 रुपए, वो बुजुर्ग आदमी को 500 रुपए बच जाते, ऐसा भी एक मार्केटिंग का जरिया है। उसके बाद दूसरा आसपास के किसान आदमी को जहाँ पर रूम वगैरह कुछ भी हो या ना हो उनके, उनको भी जाकर सिखाओ भाई देखो मैं ऐसा पाल रहा, ऐसा इनकम आता, अच्छा आता, करो आप भी, मैं हूँ, मदद करूँगा आपको, बीमारियों में हो जाए, कुछ भी हो जाए, वैक्सीन्स में हो जाए, करो आप भी बोल के मोटिवेट कर सकते हो, साथ मिल के करने से धंधा बढ़ेगा मेरे भाई। तो ऐसा ये भी एक मार्केटिंग का जरिया है। मैं तो डेली आप आजकल इंस्टा पे हो जाए, यूट्यूब पे हो जाए, वो रील्स ज़्यादा वायरल हो रहे, डायरेक्ट आप रील्स रील पे क्या करो, आपका नंबर दे दो डायरेक्ट, 100 आपके पास एक मुर्गा है, मुर्गे की अच्छी सी वीडियो निकालो, शॉर्ट वीडियो 30 सेकंड का निकाल, उसमें नंबर दे दो, आपका नंबर के नीचे भाई 500 रुपीज़ ने तो 1000 रुपीज़ ऐसा कर दो, ये भी मार्केटिंग का जरिया है बहुत सारा। जितना आप कोशिश करोगे उतनी मार्केट होगी मेरे भाई, ऐसा करो बेटर है ना। तो व्यापारी भी जो गांव फिर के लूने फिर के लेते रहते, उनको भी उनका भी नंबर लो भाई, हमारे पास भी फार्म है, आके लेके जाओ, बोलता आपके आपके फार्म के पास ही आ जाओ, व्यापारी लोग लेके जाते आपके पास से 500-400 आपके पास जो चिकन सेंटर वाला उनके पास 550 में ले रहे समझो, उन्हें आपके पास से 450 में लोगे लेंगे, 100 रुपये वो भी देख लेंगे एक मुर्गी के पीछे, कहीं बोल दो 30 मुर्गियाँ लेके जा रहे हैं आपके पास, जाते जाते उनकी बुट्टी गिर गई, पूरे मुर्गियाँ चले गए, तो उसका भी भरपाई करना पड़ता ना, रिस्की बिजनेस रहता उनको भी। नहीं तो आपके पास कैसा कुछ भाई ऐसे भी रहते कि पूरा रानीखेत डिसीज या कुछ भी ऐसे रहते भाई, मर जा रहे निकाल देना लाश होता बोल के, वो भाई 30 मुर्गियाँ जो डिसीज आई भाई, डायरिया हो जाए कुछ भी आई, तो व्यापारी को बुला के दे देते, देने के बाद वो व्यापारी शाम में उसके घर के पास रख के सुबह डालेंगे, समझता कि चिकन सेंटर वालों को सुबह खोलते ही उसके पास पूरे के पूरे मुर्गियाँ चले गए, जो डिसीज बढ़ दिए सो बंदा है उसकी वजह से, वो भी भरपाई करना पड़ता ना वो लोग, तो इसीलिए उनका भी रिस्क ही है। हर इंसान हर बिजनेस में रिस्क भी है फायदा भी है मेरे भाई, बट डर गए ना तो मजदूरी कर लेना पड़ता, अगर टिक गए ना बिजनेस मस्त मस्त टिका देगा, तो इसीलिए मार्केटिंग करने का ये भी जरिया है। ऐसा करो डेफिनेटली बताता आपको, ये पूरा वीडियो फुल वीडियो जो भी भाई देखे 1% भी लॉस नहीं आता डेफिनेटली। जो जो भी भाई अच्छा लगा वीडियो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करो जाके भाई जबरदस्त वीडियो था बोल के, थैंक्स नहीं बोल तो नहीं बोले यार, जबरदस्त वीडियो था तो भी बोलो यार, आपका कमेंट दिल को खुशी देता है, इतनी देर चिल्ला चिल्ला कर गला दर्द दे रहे, एक घंटा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ मैं आपको, और अपना वीडियो आगे वाले भाइयों को भी जरूर शेयर करना, जितने भी भाई देख रहे मेरा वीडियो वो सारे के सारे भाई शेयर करे बिना मत जाना वीडियो, कहीं को बोल दो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे वाले भाई भी सीख कर लॉस से बचे बोलते। मेन मकसद क्या था बोल तो, आजकल क्या है बोल तो, मैं ये मुर्गी पोल्ट्री फार्म के साथ साथ मैं एक जॉब भी करता हूँ, 9 to 6 जॉब पे रहता हूँ मैं, तो ये बीच में क्या हो रहा, वो जो बसता 9 मॉर्निंग 9 के बीच में नहाओ धो मुँह धो वो करो ये करो और मुर्गियों को देखभाल करो, संभालो, दाना दो, पानी दो, डिसीज आए तो उनको देखो वगैरह, ये रहता है इवनिंग भी 6 के बाद, और फैमिली भी रहती है उनको भी टाइम दो वगैरह वगैरह। ये बीच में भाई हम मुर्गी पालन खोलना समझ रहे, हेल्प करो, कॉल्स पिकअप करो, गाइड करो, बोल तो भाई मेरे भाई मैं वीडियोस कहीं के लिए बना रहा मेरे भाई, आपके लिए ही बना रहा ना, जितना वीडियो में मैं आपको सिखा रहा उतना फोन कान को रख के हेलो भाई सुबह से लेके शाम तक यही होता, फोन उठा के भाई हास्ट्रोवेट डालो, लेक्सिन पाउडर डालो, ये पूरा एक घंटा एक कॉल में एक घंटा, फिर अभी देखो ऐसा रहता मैं पूरा मेरी प्रॉब्लम्स बता ले के, ये करना नहीं समझ रहा मैं, बस आप समझ जाओ, समझने वाले बहुत समझ जाते, कई बोल तो किसकी लाइफ उसको बहुत टाइट है मेरे भाई, इसीलिए जो मैं आपके लिए मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ वीडियो उसमें, बस मेरे दिल को वो काफ़ी है। जो लोग सिर्फ कमेंट्स का रिप्लाई दिए तो ही, नहीं तो मैसेज का रिप्लाई दिए तो ही चाहते बोल तो उसे वो नहीं हो सकता, बस मैं तो मेरे भाइयों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। चलो फिर देखे ना वीडियो, सब्सक्राइब शेयर लाइक करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगले भी वीडियोस आने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।